ओम शांति। 14 जनवरी 90 की अव्यक्त मुरली। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। आज बाप दादा ने हम सभी ब्राह्मणों को कई सारी धारणाएं पक्की कराई है, जिसकी कमी के कारण चलते चलते हमारा पुरुषार्थ कमज़ोर हो जाता है। बाप दादा ने कहा कि सभी ब्राह्मण बच्चे बाप दादा की डायरेक्ट पहली रचना है, लेकिन इसमें भी विशेष दो प्रकार के बच्चे देखे, तीव्र पुरुषार्थी और दूसरा कब तीव्र और कब कम गति के पुरुषार्थी। जबकि पढ़ाई, पालना, प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है, लेकिन फिर भी अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीज़न और पुरुषार्थी माना सेकंड डिवीज़न में पास होने वाले, उनके विशेष दो कारण देखे। पहला, संकल्प शक्ति जो श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं और सेवा के प्रति लगाने की यथार्थ विधि नहीं है। दूसरा, वाणी की शक्ति को भी यथार्थ और समय प्रति लगाने की विधि की कमी है। और मुख्य कारण कमी के, यूज़ के बजाय बच्चे लूज हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा ने रिज़ल्ट भी बताई कि अगर आज तो बाप दादा सिर्फ 3-4 दिन की ही रिज़ल्ट देखी है, टोटल नहीं, तो उसमें भी बाबा ने कहा देखो बच्चे 50% माना आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों को जमा का खाता 50% आत्माओं का ठीक था, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। दूसरा, 50% आत्माओं का जमा खाता 40% था और व्यर्थ और साधारण का खाता 60% था। तो देखो वजन किसका ज़्यादा हुआ। फिर बाबा ने कहा बच्चे वाचा के कारण मनसा पर भी प्रभाव पड़ता है। बाप दादा आज विशेष वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध सर्व के साथ है और मनसा द्वारा कई बच्चे पुरुषार्थ के प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी क्या होती है? बच्चे ज़्यादा बोलेंगे। आज बाबा ने बहुत विस्तार से हमारे बोल की गति और हमारे बोलने की धारणाओं को पक्का कराया है। बाबा ने कहा कि देखो कई बच्चे संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन जैसे कोई ज़बरदस्ती से कोई ने चुप रहने के लिए बांधा हो, लेकिन जब व्यर्थ बोल बोलते हैं ना, तो शरीर की एनर्जी, समय सब व्यर्थ जाता है। और ऐसे बच्चों की आदत क्या होती है? छोटी सी बात को लंबा चौड़ा कथा, रामायण महाभारत बना देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे क्या रिजल्ट? रामायण में राम वनवास गया, कौरव पांडव की युद्ध हुई, सार नहीं ना? लेकिन ऐसे बच्चे बहुत फिर खजाना इधर उधर का व्यर्थ इकट्ठा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कथा बनाते हैं। ऐसी आत्माएं एकांत प्रिय नहीं हो सकती है। उनका संगठन पावरफुल दिखने में आएगा, लेकिन बाबा कहते बच्चे ये माया के अंतिम चरण है, सावधान रहना है। माया डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी ट्रायल करती है और फिर
व्यर्थ व साधारण बोल भी भिन्न भिन्न रूप के देखे। सीमा के बाहर हंसी मजाक, टॉन्टिंग, इधर उधर का समाचार इकट्ठा करना, फिर सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमी का चिंतन, मिक्स चटनी बनाना, फिर अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है नहीं, तो ऐसा बच्चे बोल बोलते हैं। तो ये पांचों ही बातें व्यर्थ बोल में गिनती होती है। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हंसी मजाक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें रूहानियत हो, सामने वाली आत्मा को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, इतना अटेंशन रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या सर्टिफिकेट मिलेगा। ये बोलते बहुत है और फिर मिक्स चटनी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना, ऐसे नहीं कहो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो बोल सदैव ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हो, अनमोल हो, महावाक्य हो, सद्गुरु के बच्चे हो ना। तो मास्टर सद्गुरु के तो महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं, अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने विस्तार तो हम बच्चों का बहुत समझाया, लेकिन ये सारी बातों से अब हमें मुक्त बनना है। और जो बाबा ने कहा, बच्चे सतगुरु के महावाक्य होते हैं, व्यर्थ बोलने वाले तो अपनी बुद्धि व्यर्थ बातें व्यर्थ समाचारों में ही लगा देते हैं, फिर ये तो कूड़ा कीचड़ा हो गया ना, ये तो शास्त्रवादियों की तरफ फिर उनको रूप देते हैं। लेकिन हमारे बोल युक्ति युक्त हो, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक हो, ऐसे ही बोल बोलने हैं। हाँ, अंडरलाइन करेंगे तो इतना बोल पर अटेंशन, डबल अंडरलाइन। तो इस वर्ष बाबा ने कहा, बोल द्वारा एनर्जी और समय को जमा करना है, अंतर्मुखता का रस तभी अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी तो सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत स्वयं को अनुभव करेगा, इसलिए सदा ये समझो हम निमित आत्मा है। फिर बाबा ने कहा, प्रवृत्ति वाले भी मूंझते तो नहीं है ना, मजे में रहते हो, ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है, आराम से सोते हो, आराम से खाते पीते हो, लेकिन मर्यादा पर चलना है। बाबा ने कहा, अमृत वेला भी मिस नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, एक तरफ प्राप्ति करेंगे और दूसरे तरफ घाटा हो जाएगा। फिर बाबा ने किसी की बात बताई, बच्चे अमृत वेला कैसे करते हैं, पोज बदलते हैं, कई बच्चों की तो ट्यूनिंग भी बाबा के पास है, उसकी भी कैसेट है। हाँ, तो बाबा ने कहा, बच्चे पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज बाप दादा ने विशेष हम बच्चों को अपनी पुरुषार्थ की कमी के कारण पक्के कराए। हम स्वयं को चेक करेंगे कि कहाँ तक मैंने अपने बोल को इतना संयमित बनाया है, जो आज बाबा ने कहा ना, अब व्यर्थ बातें व्यर्थ चिंतन व्यर्थ बोल पर हमें अपना कंट्रोल लाना पड़ेगा, और इसके लिए अंतर्मुखी बनना है। हम अपने से प्रतिज्ञा करें कि हम वही बोल बोलेंगे जो मुझे और दूसरों को प्राप्ति कराए, हमारे महावाक्य होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए, और जितना हो सके उतना बोल की शक्ति को जमा करेंगे। क्योंकि बाबा ने आज कहा, बच्चे
वाचा का ही प्रभाव मनसा पर पड़ता है। तो इस प्रकार की माया की जो भी वेस्ट करने वाली बातें हैं, उनसे स्वयं को दूर ले जाएंगे और अनमोल महावाक्य ही मुझे निकालने हैं अपने मुख से। बाकी तो जो आज बाबा ने कहा टोंटिंग, अयुक्ति युक्त बोल, इधर उधर के समाचार, उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे ना, तो स्वतः ही हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। हम स्वयं को चेक करेंगे किन किन बातों की कमी मेरे अंदर है। आगे भी बाबा ने कल कहा था ने कि किसी भी निमित्त आत्माओं की कमी वर्णन करना वो बाप की ग्लानी करना है। तो इन सारे पावरफुल इशारों को हम पक्का करें और अपने आप को हम समेटने का संकल्प करें। फिर बाप दादा ने मुलाकात में भी कहा, बच्चे आगे चलकर तो आपके पास भिखारी की तरह लोगों की लाइन लगेगी, शक्तियों के भिखारी बनकर आएंगे। तो अभी से आपको अपने अंदर कितनी शक्तियों को जमा करना है, सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, इन सब शक्तियों को बढ़ाना है। इसके लिए साइलेंस की पावर को बढ़ाना है। देखो बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है ना, साइंस वाले कितने एडवांस जा रहे हैं, तो हम बच्चों को भी अब साइलेंस की पावर से आगे बढ़ना है। जितना योग युक्त बनेंगे उतना ही राज युक्त युक्ति युक्त बनेंगे। अब ये परिवर्तन बाप दादा हमसे चाहते हैं। तो बाप दादा की इन मीठी शिक्षाओं को हम स्वयं से बार बार पक्का करें, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाए, स्वयं को देखे। हे आत्मा, ब्राह्मण जीवन में आज बाबा ने मुझे जो समझ दी है, उस आधार से अपने बोल को मुझे मधुर बनाना है। बार बार स्वयं से पक्का करें। भगवान ने कहा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मधुर महावाक्य, अनमोल महावाक्य ही मुझे बोलने हैं। तो यही पुरुषार्थ हमारी कितनी शक्ति को बढ़ा देगा। ये बाबा की आज्ञा का पालन है, इससे पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी और कई सारी कमियों से और घाटे से हम स्वयं को बचा सकेंगे। तो आज स्वयं से ये प्रतिज्ञा करें, गहरा चिंतन करें स्वयं से, और ब्राह्मण बनने के बाद कहाँ कहाँ व्यर्थ में अगर हम अटके हैं तो स्वयं को निकालें। ये बाबा ने आज हमें ज्ञान का दिव्य दर्पण दिखाया है, इसमें स्वयं को देखें। ओम शांति।